दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल एक्सटेंशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी वीडियोस सच्चाई के साथ सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन यूजर तो हम लोग सभी है। स्मार्टफोन एक रिकमेंडेड बोला जा सकता है कि रिकमेंडेड गैजेट हो गया या मैंडेटरी गैजेट बन चुका है हम लोगों का डेली लाइफ में, क्योंकि अभी हम लोग इससे सब कुछ काम कर सकते हैं। अभी बहुत सारे वेब सीरीज के लिए ऐप निकला हुआ है। अगर आप ऐप को रजिस्टर करोगे, ऐप को अगर आप पेमेंट करोगे तो वो भी मोबाइल से होगा। शॉपिंग करने जाओ वो भी आपका मोबाइल से पेमेंट हो जाएगा। टैक्स जमा करने जाओ वो भी हो जाएगा मोबाइल से। इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने जाओ वो भी हो जाएगा मोबाइल से। कभी सोचे हैं आप, ये मोबाइल अगर आपका खो जाए या कोई भी चुरा लिया है आपका फ़ोन, और अभी तो फेस्टिव सीजन स्टार्ट हुआ है दुर्गा पूजा से लेके, फेस्टिव सीजन में कभी भी अगर आपका फ़ोन खो जाए तो आप क्या करोगे? सबसे पहला तो बात अच्छा और सीधा तरीका तो ये होता है कि आपका फोन ब्लॉक कर देना। लेकिन करे कैसे? हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सटेंशन, मैं हूं आपका दोस्त सुब्रतो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपका फोन अगर खो जाए या किसी ने चुरा लिया है तो आप फोन को कैसे ब्लॉक करोगे, या अगर आपको मिल जाए बाद में फोन तो आप अनब्लॉक भी कर सकते हो, लेकिन वो कैसे, तरीका क्या होता है। हम चाहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन देने वाला वीडियो है। वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक करके अपने दोस्त लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, ताकि किसी का भी ना ऐसा हो कि फ़ोन चोरी हो गया, या फ़ोन चोरी हो गया चोरी हो जाने के बाद, या खो गया है खो जाने के बाद वो लोग हैरान हो गया सिर्फ मेरा फ़ोन नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। जब रास्ता है फ़ोन को वापस मिलने का, या आपका देखिए फ़ोन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पासवर्ड भी सेव करके रखते हैं। बहुत सारे लोग खुद का कुछ प्राइवेट डॉक्यूमेंट भी रखते हैं, प्राइवेट इमेजेस भी रखते हैं, तो आपका प्राइवेसी जीरो बन जाता है। अगर फोन मान लीजिए किसी ने चुरा लिया है, अगर आपका फोन खो गया तो मतलब दूसरे के पास चला गया, तो वो मार्केट में आपका प्राइवेसी को ओपन कर दे सकता है, तो आपका प्राइवेसी जीरो बन सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो पसंद आने से जल्दी से लाइक करके शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा फोन को ब्लॉक करने के लिए, अगर मान लीजिए आपके फोन खो गया या फोन कोई चुरा लिया। नंबर वन, सबसे पहले आप जाए आपका नज़दीक जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके FIR दर्ज करें। मान लीजिए आपका फ़ोन खो गया है आपका घर से, तभी आप आपका नज़दीक पुलिस स्टेशन में जाए। मान लीजिए आपका रास्ते से चलते चलते आपको कभी भी पॉकेट में हाथ डाल के देखें, पॉकेट में आप हाथ डाल के देखें कि आपका पॉकेट से फ़ोन गायब है, तो उस जहाँ से आपका गायब लगा कि यहाँ से मेरा फ़ोन खो गया है, वहाँ का नज़दीक पुलिस स्टेशन में जाके FIR दर्ज करें। और ये भी एक रास्ता होता है कि मान लीजिए कि आप रास्ते से जा रहे थे या कहीं पे गए थे घूमने, या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे जाके बैठे थे, कहीं से हो सकता है, या बस में, ट्राम में, कहीं से भी आपका टैक्सी में आप भूल गए फ़ोन को, और फ़ोन को आपको वापस नहीं दिया, फ़ोन वापस से आपको मिला नहीं। इस सिचुएशन पे आप आपका घर का, जहाँ पे आपका घर का एड्रेस है उसका नज़दीक जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके आप FIR दर्ज करें। नंबर दो, आप FIR दर्ज जो करने के लिए जा रहे हो वो आप घर बैठे भी कर सकते हो, घर पे बैठे भी आप कर सकते हो, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ही आप FIR दर्ज कर सकते हो। लेकिन याद रहे दोस्तों, आपको FIR का कॉपी और कंप्लेंट नंबर, ये दोनों आपके पास रखना होगा। नंबर तीन दोस्तों, CEIR का एक वेबसाइट है जो एक गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जाके आपका फ़ोन का इन्फॉर्मेशन डालना है और रजिस्टर करना है कंप्लेंट। तो वो कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको इस वीडियो में अभी दिखा रहा हूँ। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यानी CEIR गवर्नमेंट वेबसाइट में विजिट करके आपका खोया हुआ मोबाइल का मॉडल नंबर, सिम और IMEI नंबर डाल के कंप्लेंट रजिस्टर करना होगा। इससे आपका मोबाइल फ़ोन को ढूंढना आसान होगा और वो लोग जल्द से जल्द फ़ोन को अनब्लॉक या ब्लॉक दोनों ही कर सकता है। वेबसाइट का URL आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर चार, CEIR वेबसाइट में जाने से आपको तीन ऑप्शन मिलता है, ब्लॉक लॉस्ट मोबाइल, चेक रिक्वेस्ट स्टेटस और अनब्लॉक फाउंड मोबाइल। इसके बाद आपको खोया हुआ मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करने के लिए स्टोलन और लॉस्ट मोबाइल ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। इसके बाद जो पेज आपके सामने आएगा वहाँ पे सब इंफॉर्मेशन डालना होता है। नंबर फाइव, इंफॉर्मेशन में आपको डालना होता है कब आप ये मोबाइल खरीदे थे, यानी इनवॉइस और फोन खोने का डेट और फोन खोने वाला जगह
आपको यहाँ पे डालना होता है। नंबर 6, इसके बाद एड मोर कंप्लेंट पे क्लिक करना है आपको, जहाँ पे आपका नाम, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब सबमिट करना होता है। अंत में आपको फिर से एक बार मोबाइल नंबर देना होता है। नंबर 7, याद रखिए, अगर आपके पास सिर्फ एक ही मोबाइल था जो खो गया है, तो दूसरे किसी का फोन से ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओटीपी से कंप्लेंट वेरिफिकेशन होता है CIR वेबसाइट में। तो जल्दी से लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त लोगों के साथ। कोई भी आपका सवाल या सुझाव है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।